हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तमन्ना ब्लॉग। सो गाइस, हम जा रहे थे वीडियो बनाने, बना ही रहे थे वीडियो। राहुल ये कौन है? राहुल कौन है ये? हाँ कौन है? ये वीडियो देखते हैं भाई। हाँ वीडियो देखते हैं हमारी। फ्री बंद करना है। आप सभी फैन है मेरे घर वाले। अच्छा ही, बंद करना फोन, फिर हमें कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा सारी वीडियो देखते हैं आप हमारी? सारी वीडियो देखते हैं। अच्छा ये जॉब कैसे चल रही है आपकी? जॉब अच्छी है मेरी, मस्त जॉब है। हाँ, मस्त जॉब। राहुल के बहुत बड़े फैन हो? हाँ, राहुल के बहुत बड़े हैं। मम्मी बोलती है हाँ? इसका रंग साफ होएगा। मैं बोला जरूर होएगा। अभी मैं बात कर रहा था, मम्मी मेरी बोली मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं फ्री होके मैं बात करती हूँ। देख ले राहुल तेरे को कितने। हम बटाला से, गुरदासपुर जिला से। अच्छा अच्छा, बटाला से। देख ले राहुल तेरे को चाहने वाले कितने हैं। अभी मैं पूछ रहा हूँ, बोलता मुझे पता ही नहीं कहाँ पड़ता है वो शहर। अच्छा, अमृतसर के पास पड़ता है। अमृतसर के पास घूम के आए अमृतसर। देख लो राहुल को कितने प्यार करने वाले मिलते हैं। और ये देखो बोल रहा, इसके लिए कुछ बताओ। गोरे होने का रंग रूप हो जाएगा गोरा, हो जाएगा आज के साथ है। अच्छा हो जाएगा गोरा। चाहिए आपको गोरा रंग कि यही पसंद है? अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सुग्रा चाहते हैं जो शादी है वो आपने घर पे बात करी, मना करा घर वालों को? पूछा आपने शादी शुदी जो आपकी तय कर रखी है वो क्या सीन है आपका? शादी करके से मूड खराब है। अच्छा मुझे ये पूछना है आपसे क्लियर बात, सफा क्या बोझना तो मैं हर जिंदगी। जोर से बोलो यहाँ आवाज बता दिया, जोर से बोलो। अरे जिंदगी खराब है, चुप हो जाओ अपने आराम से। क्यों क्या हुआ मुझे बताओ, मैं ही तो तुम्हारी जिंदगी हूँ। इधर बैठो मेरे पास बैठो, मुझे कुछ आपसे जरूरी सूचना करनी है। सूचना इधर। ठंड लग रही, मेरा रंग काला हो जाएगा धूप में। इधर आओ, इधर बैठो मेरे साथ, मेरी बात सुनो। तुम्हारी सुनते आ रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी यहाँ तुम खेलोगे ये पत्ते पुत्ते जो खेलते हो तुम। तुमने लागे था ना पत्ता, ऐसा पड़ेगा रैपटा। यहाँ पत्ते ही खेल रहा था तू, मैंने खुद देखा। मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, उधर पत्ते खेल रहा हूँ। अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें कैसा लगता है जब फैन फून मिलने आते हैं तो? सही लगता है। हैं? सही लगता है। कितना सही लगता है? बहुत कितना? तो मुझे बता, मुझे एक घंटा गाड़ी में बैठे मुझे एक घंटा हो गया, तेरी यहाँ पूरी पलटन बैठी हुई थी। ऐसा तगड़ा बिजनेस कर रहा था तू, यहाँ से वहाँ नहीं आ सकता? इधर वहाँ गाड़ी तक। अरे बैठा नहीं मैं इधर, आप कह रहे मैं आ रही हूँ, मैं कहा जब आ रही हूँ तो फिर। इतना कौन सा तगड़ा बिजनेस चल रहा था तेरा? हाँ बिजनेस वाले बंदे नहीं हूँ। क्या नहीं है? बिजनेस चलाएंगे, रुक जाओ। कब चलाओगे? पैसा आन दो। मुझे बर्बाद करके हैं? तुम्हें बर्बाद करके तेई कमार तो बिजनेस चलाऊंगा। अच्छा मुझे बर्बाद करके तेई कमार तो बिजनेस चलाऊंगा। गाइस देखो इसकी सोच, मुझे बर्बाद करके तब बिजनेस चलाएगा ये। अच्छा मुझे बता, मैं पतली हो रही हूँ, देख बता पतली हुई कि नहीं, फर्क पड़ा कि नहीं? थोड़ा पड़ा कि नहीं? बस दो दिन के टाइम फर्क पड़ेगा। क्या दो दिन के टाइम फर्क पड़ेगा? अब तो बिल्कुल सीरियस हूँ, तेरी दुआएं साथ है ना मेरे, तेरी दुआएं साथ है मेरे। राहुल जब तूने घर पे बात करी शादी के लिए, उन्होंने मना नहीं करा घर वालों ने? हैं नहीं बोला नहीं कि शादी रहने दे ये वो? नहीं है नहीं बोला। क्यों? मुझे क्या पता नहीं बोला। कुछ मिलेगा शादी करके तेरे को बता? मुझे क्या पता क्या मिलेगा यार। फिर तू क्यों शादी कर रहा है? बर्बादी है भाई, शादी ना कर जब तेरे को मैं मना कर रही हूँ तो। अच्छा तूने लड़की वालों को बोला क्या, काम क्या करता है ये तो बता दे, क्या काम करता है? बात ही नहीं करी है, बात ही नहीं करी लड़की वालों से, कुछ नहीं बोला काम को मुझे। बस सीधे तेरे थोड़ा देखे, उन्होंने बोला कि हाँ सिलेक्ट है, तेरे थोड़ा इतना पसंद आ गया उनको। पता नहीं क्यों पसंद आ गया। सो गाइस मेन बात ये है कि राहुल की शादी के लिए हमने इसको बोला था कि घर वालों को पूछना, मनाना, मना करना, बस इसके घर वाले नहीं माने तो इसकी है जल्दी शादी। बारात कब की है? 11। कपड़े कुपड़े शॉपिंग शॉपिंग कर लिया आपने? हैं तो कोट पैंट तो ले ही लिया होगा कोई कपड़े कुपड़े? कुछ नहीं लिया यार। तो आज 7 तारीख हो गया, कब लोगे कपड़े? कल जाओगे लेने? कल पैसे नहीं है कपड़े कहाँ से? क्या पैसे नहीं है तो कपड़े कहाँ से? ड्रामे ना कर, तेरी मम्मी का कल फोन आया था, उन्होंने मुझे शादी में भी बुलाया, कार्ड भी दिया और मुझे ये बोला कि आपने शादी में जरूर आना है 11 तारीख को। तुम आओगे? किथे किथे गए किथे घूमे, हर कान सब चेते करी बैठे आ।
हाँ बुलाया है मुझे। सो गाइज राहुल की हो रही है बर्बादी 11 तारीख को, मिस मत करना ब्लॉग, इसकी शादी है। मुझे पहले लगा कि राहुल मजाक कर रहा है, बट नहीं गाइज मुझे सच में राहुल की मम्मी की कॉल आई और ऐसे शादी इनके मतलब कि वो बचपन में गोना टाइप जो होता है वो हो जाता है तो, बट फिर भी इसके घर वाले ये बोल रहे हैं कि गांव में वैसे इसका गोना हो रखा था जब ये छोटा था तभी, मतलब कि इनके इसके पापा के जो दोस्त था है ना उसकी लड़की थी ना, उसकी लड़की के साथ इसका गोना हो रखा था, बट ये शहर में आ गए तो इसका दिमाग फिट गया ज़्यादा, शहर की लड़कियाँ ही पसंद करने लग पड़ा। तो अब इसकी हो रही है शादी 11 तारीख को, इसकी शादी है। लड़की तो पसंद ही नहीं है, लड़की पसंद नहीं है क्यों? लड़की पसंद नहीं है, सुंदर नहीं है क्या, कमी क्या है? अरे मुझे सही नहीं लग रही है लड़की। तो तू घर वालों को कह दे पूरी जिंदगी काटनी है भाई, अभी 18 साल का होगा तू, 17-18 साल का, 18 साल का है, पूरी जिंदगी काटनी है, इतनी जिंदगी कैसे काटेगा तू बता यार, क्या करूं है, क्या करूं बताओ आप, आप ही बात ही करके तुड़वा दो। मैंने बोला था मैंने तेरी मम्मी को कॉल करी, रिश्ते ही तुड़वा दो, है रिश्ते ही तुड़वा दो, वो तेरी मम्मी बोलेगी नहीं कुछ, नहीं मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, तू सीधे बोल दे, बोल मैं अभी मेरा मना मना कर रखा है यार कि मेरा खुद का खर्चा नहीं हो रहा, उसका कैसे करूं? तूने बात करी थी जब मैंने तेरे को बोला था बात करा, बात क्या बोला तूने, मम्मी से बात करी पापा से? मम्मी से। क्या बोला? मैं कभी नहीं करनी शादी से। फिर यार एक कर लो, मैं कब पता नहीं, अब तुम्हें पता घर वाले को सामने खाते ले लिए। तू तो अपने भाई से बात करना, वो जो वहाँ पे रहता है अपनी फैमिली के साथ रहता है जो, उससे बात कर, वो तो समझदार है, उसको बोल कि भाई मैंने अभी करनी नहीं है, मुझे 2 साल दे दो, 2 साल मांग ले मत कर, कम से कम 4-5 साल तक रुको, अब 2 साल तो टपा, तब 4-5 साल अपने आप टप जाएंगे, 2 साल तो टपा, तब तक बात तो कर घर वालों से, बात तो कर, एक बार बात तो करके देख। तो इसे लग रहा है जैसे सदमे में नहीं होता गाइस, इसकी शादी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सदमे में हो, अभी से सदमा में आ गया है, अभी से अभी कहाँ, अभी तो खर्चे होंगे जब मांगे की बिंदी के पैसे, लिपस्टिक के पैसे, कपड़े के पैसे, तब असली पता लगेगा तुझे। अरे मैं करूंगा नहीं शादी, चल जाऊंगा, तू कहाँ जाएगा? दूर ही चल जाऊंगा। दूर कहाँ? कॉलोनी छोड़, है कॉलोनी छोड़ दूंगा, कहाँ पे जाएगा कॉलोनी छोड़ के, कहीं तो कहीं चल जाऊंगा। मैं हूँ ना तेरे लिए, मुझे जब मर्जी पुकारियो मैं तेरे साथ ही रहूंगी, मैं ऐसी नहीं हूँ राहुल, तेरे से दिल लगाया फ्लैट की चाबी दो, फ्लैट में जा ले ले, सही है ले, अकेला रहेगा पर, अकेले ही रहूंगा ठीक है, पर कोई फालतू नशा पता नहीं है, तू सदमे में नशा पता ही करने लग पड़े, अच्छा बन के रहना ठीक है। हाँ एक बार चाबी तो दे, मतलब क्या चाबी तो दे दो, मतलब क्या तेरा, चाबी दे दो आराम से रहूंगा, फ्लैट तो बंद कर रही हूँ मैं, अब फ्लैट बंद कर रहा हूँ, रेंट को भरेगा उसका, इतना रेंट भरना पड़ता है, कितना रेंट है, बहुत रेंट है उसका, रेंट ही रेंट मार दे, अगर रेंट ही मार देगा ये, वही तो। सो गाइज मेरा ना आजकल ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि राहुल का जब से मैंने शादी का सुना है तो मुझे पड़ रहा है अटैक, तो मैं तो गाइज यहीं ब्लॉग खत्म कर रही हूँ, ब्लॉग बढ़िया लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का, बाय बोल दो बाय यार।